अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। तो अभी जो है हम महंद्री कागान में हैं और अभी जो है हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और ये हमारी गाड़ी खड़ी है और बस हम यहाँ से अब निकल रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं। तो बस चेकआउट करके हम जो है नारान की तरफ मूव कर रहे हैं और होटल लेंगे वहाँ पे, फिर जो है जीप में बैठ के सैफुल मुलुक जाएंगे और वहाँ पे जो है हम रास्ते में बर्फ़ देखेंगे, ग्लेशियर्स देखेंगे और चश्मे, आबशारें, झील, पानी। और जो आज स्टे होगा वो भी नारान में होगा हमारा। ये देखें, ये हमारा रूम है ऊपर और नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये हमारा रूम है और ग्रीन वैलीज होटल का नाम है और बहुत अच्छा होटल था ये। अभी जो है हम सारे पॉइंट्स घूम घाम कर फिर इसी होटल में आएंगे इंशाल्लाह। नारान का माल रोड, राफ्टिंग वगैरह, और कल फिर हम बाबूसब टॉप जाएंगे, बाटा कुंडी, झलकट, लुलूसर लैक, प्याला झील, सारे पॉइंट घूम घाम के हम इसी होटल में आ जाएंगे कल। तो बस अभी जो है हम निकलने लगे हैं और गाड़ी हमारी बिल्कुल रेडी है, तो चलें चलते हैं। तो ये हमारी गाड़ी है जो हमने हायर की है, जिसमें हम अभी जाने वाले हैं। और चाहें तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जा सकते हैं और अपनी कार भी हायर कर सकते हैं। तो इट्स टाइम टू मूव। बहुत ही कोई ख़ूबसूरत रास्ता है नारान का। और पौधे देखेंगे, पहाड़ हैं और पहाड़ों पे ना ये ग्रास भी है और ग्रीनरी इतनी है। बहुत हसीन रास्ता है, बहुत ख़ूबसूरत रास्ता है ये जो है नारान का। और यहाँ जो है ड्राइविंग करना आसान काम नहीं है, बहुत ही एक्सपर्ट ड्राइवर चाहिए यहाँ ड्राइव करने के लिए, क्योंकि ज़िगज़ैग रोड है और जो है पहाड़ों पे देखें गाड़ी को चलना होता है, ज़िगज़ैग रोड है और बहुत ही कोई एक्सपर्ट बंदा चाहिए यहाँ ड्राइव करने के लिए। और यहाँ के जो ड्राइवर्स हैं उन्हीं को अंदाज़ा होता है कि जो है कैसे चलानी है रोड पर गाड़ी, क्योंकि जो है चढ़ाई ही चढ़ाई है।
बस अभी जो है हम रास्ते में ये रुके हैं और ये ग्लेशियर्स देखने के लिए। और ये देखें, ये जो है ना रोड, पहाड़ों से पानी आ रहा है और ये रोड है बाकायदा, और ये पानी फिर बहता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है। ये देखें, इतना अच्छा लग रहा था ये मंज़र, और इतना ठंडा पानी है। और जो है कुछ देर हम यहाँ रुकेंगे, स्टे करेंगे, पिक्चर्स वगैरह लेंगे। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि आप कहीं रुक नहीं सकते, पिक्चर्स वगैरह नहीं ले सकते। और जो है प्राइवेट गाड़ियों का यही फ़ायदा है कि आप जो है कहीं भी इनको रुकवा के पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं। कुछ आपको ख़रीदना हो तो आप बाय कर सकते हैं। इसमें जो है बंदा इजीली बैठ जाता है और जो है कंफर्टेबल होकर बैठ जाता है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये होता है, फेयर कम होता है, लेकिन जो है आपको फिर भी डिफ़िकल्टी होती है, कहीं वो रुकती भी नहीं है। वो हमने जो है 6 डेज़ के लिए इनको हायर किया था। और जो इसका मैं आपको फेयर बता दूँ, पर डे इसका 5000 हमें ये 5000 में ये हमें पड़ी थी। ये रास्ते में जो है, ये देखें, ये जो है चादरें सेल कर रहे हैं, और सर पे ओढ़ने वाली ये चादरें, और ये सेल हो रही हैं, और बहुत अच्छी चादरें लग रही हैं ये। और ये कुछ गिलगित की होती हैं, इसमें कुछ पेशावर की चादरें होती हैं।